तो इस पे तो इंडियन नेशनल लोकदल क्लैरिफिकेशन दे कि क्यों उनकी सोच आगे नहीं बढ़ती। क्या आपका जो नाम आपके क्या साथ हो आपके सकता है साथ क्या क्या इनका नेशनलाइज हो सकता लोकतंत्र और बीएसपी का उनका अड्डा क्या है महागठबंधन सर? देखिए, मैं कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुका कि जो लोग सामाजिक तौर पर बंटवारा करना चाहते हैं, जो लोग हमें आपसी में लड़वाना चाहते हैं, उन लोगों से हमारी राजनीतिक सोच नहीं मिलती। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने हमेशा हरियाणा प्रदेश को एक परिवार की तरह रखने का काम किया, जिसके अंदर चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई वैश्य समाज का हो, चाहे वो कोई जाट हो, चाहे कोई कुम्हार हो, चाहे कोई श्रेणी हो, चाहे कोई दलित हो, उन्हें सबको साथ लेकर चलने का काम किया। जिस प्रकार से कुछ लोग समाज को बांटने का काम करें, मुझे नहीं लगता कि हमारी संगठन की विचारधारा उनसे मिलती। अगर पिछले मैंने मुख्यमंत्री का मेरा सवाल क्वेश्चन यह यह था था कि कि क्या लोकतंत्र पार्टी और बीएसपी के साथ आपका अलायंस हो सकता है, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कल को आपका अलायंस दोबारा आईएनएलडी से ही हो जाए? मैं 4 दिन पहले क्लेरिफिकेशन दे गया था कि जिन लोगों की विचारधारा से हम दूर हुए उनसे अलायंस होने का हमारा उद्देश्य बना। तो आईएनएलडी के और भी कोई विधायक आपके संपर्क में है? अभी तो शुरुआत है, हम तो खाली आज चले थे, 5 का कुनबा बन गया, 17 में से 5 आ गए, 12 बचे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में, वो क्रिकेट की टीम के 11 आउट करने होते हैं, उसमें बीजेपी आउट पहले करेगी, हम करेंगे, वो तो समय बताएगा। दुष्यंत जी,